ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माई डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है, तो आज उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग देखेंगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्या प्लान है, और नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग जानेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द टू सक्सेसिव स्टेजेस। जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, सभी को मालूम है कि सिविल सेवा परीक्षा जो है उसका दो स्टेज है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा। तो पहला है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। मतलब प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए जो है वो मेंस परीक्षा के लिए जो है उसका सिलेक्शन होता है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रारंभिक परीक्षा में कहते हैं कि 10 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं, तो 10 लाख विद्यार्थियों को कह सकते हैं मेंस के में बैठाना कह सकते हैं औचित्यपूर्ण भी नहीं है, और सब लोग जो है उतने तन मन धन से प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे होते हैं, और सबके सब के लिए कह सकते हैं कि उतनी कह सकते हैं फैसिलिटी एसेसिबिलिटी भी नहीं होती है जो कि कमीशन उतना कर सके। तो ये आवश्यक है उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाए, जिससे कि कुछ विद्यार्थियों का छटैया हो, जो कि कह सकते हैं कि जिनका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से ना हो सका है उनका छटैया हो, और उन विद्यार्थियों को ही सिलेक्शन मिले मेंस के लिए जिनका कि प्रिपरेशन सही तरीके से हो चुका है। तो इसी कह सकते हैं, इसे हम प्रारंभिक परीक्षा को हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट कहें, या फिर फर्स्ट स्टेप कहें, या फर्स्ट डोर कहें, या ओपनिंग विंडो कहें फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रारंभिक परीक्षा से गुजरकर हमें फिर मुख्य परीक्षा की ओर जाना पड़ता है, और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता अर्जित करने के बाद हम मुख्य परीक्षा के लिए कह सकते हैं कि एलिजिबल होते हैं, जिसमें कि रिटेन और इंटरव्यू होता है। तो ये आवश्यक है इसे जान लेना। और प्रारंभिक परीक्षा का जो है कि मार्क्स जो है मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स जो है सिर्फ रिटेन एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का जुटता है। ठीक है जी, आगे इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं। एप्लीकेशंस आर नाउ इनवाइटेड। अब जो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है, तो एप्लीकेशन जो है अब फॉर्म जो है फिलअप करना प्रारंभ हो चुका है। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है जी, कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन, कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू हैव अ क्वालिफाइड फॉर एडमिशन। जो विद्यार्थी या फिर कह सकते हैं कि जो कमीशन के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है फॉर एडमिशन ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो जैसे प्री जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हें जो है एक और DAF जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को है फिलअप करना पड़ता है। मतलब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफलता अर्जित करने के बाद आपको मेंस के लिए एक अलग से और फॉर्म भरना होता है। ठीक है जी, जिसमें कि आपको स्कैन डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करना होता है, सर्टिफिकेट्स का, डेट ऑफ बर्थ का, कैटेगरी का, SC ST OBC सर्टिफिकेट है अगर विदाउट OBC एनेक्सचर है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, या फिर PWD कैंडिडेट्स अगर हैं, तो आपको अपना जो है सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ स्कैन करके अपलोड करना होता है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी और एग्जामिनेशन फी भी। ठीक है जी, तो ये कुछ मूलभूत जानकारी जो है वो मैं आपके समक्ष यहाँ बता रहा हूँ। आगे है द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड टू हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। और जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज मेंस भी क्वालिफाई कर जाता है, रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी इंडिकेट ऑर्डर प्रेफरेंसेस ओनली फॉर दोज सर्विसेज पार्टिसिपेटिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द ईयर एंड फॉर विच ही इज इंटरेस्टेड इन टू बी एलोकेटेड टू इन द ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कैसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन आपको दोबारा भरना होगा, जिसमें कि आपको कौन से सर्विस और कौन से प्रेफरेंस आप चुनना चाहते हैं, कहाँ आपका कैडर होना चाहता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है कौन से सर्विस। जैसे कोई विद्यार्थी अगर SP बनना चाहते हैं तो उनका पहला जो है सर्विस कह सकते हैं प्रेफरेंस होगा IPS होगा। कोई विद्यार्थी फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं तो उनका पहला प्रेफरेंस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस होगा, मतलब IFS होगा। कोई अगर IAS लेना चाहते हैं तो उनका
आईएएस होगा, तो सर्विस प्रेफरेंस को इसमें मुख्य परीक्षा के बाद जो है उभरना होता है, ठीक है जी। ये और कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट भी वगैरह, इन सब चीजों से निर्धारित किया जाता है इसके बाद। आगे है कि फर्दर द कैंडिडेट्स हु विश टू इंडिकेट आईएएस एंड आईपीएस एज देयर सर्विस प्रेफरेंस, जो भी विद्यार्थी, जो कैंडिडेट्स, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस आईएएस और आईपीएस जो है एज ए सर्विस प्रेफरेंस चुनते हैं, उन्हें एक सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि दे इंडिकेट ऑल द जोन्स एंड कैडर्स, वो अपने जोन और कैडर, किस कैडर में वो जाना चाहते हैं, किस जोन में वो सर्विस देना चाहते हैं, उस जोन का कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है उन्हें चुनना होता है ऑनलाइन टीएएफ 2 का फॉर्म भरते वक्त, ठीक है जी। पर एक्सटेंड कैडर एलोकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के आधार पे जो एलोकेशन कह सकते हैं पॉलिसी एप्लीकेबल है, उस आधार पे आपको जो है डीएएफ भरते वक्त जो है इस चीजों का ध्यान रखें कि हम जो है सर्विस और प्रेफरेंस किस स्टेट और किस कैडर में, किस जोन में चुने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब आगे देखिए क्या है, विद द डीएफ टू अ कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट फॉर हायर एजुकेशन अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड एंड सर्विस एक्सपीरियंस ओबीसी एनेक्शन। और इसी डिटेल्ड एप्लीकेशन टू में ही आपको जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा आपके हायर एजुकेशन का। अगर आप किसी फील्ड में कोई अचीवमेंट हासिल किए हैं, कहीं आपको मेडल्स प्राइज या कुछ भी सर्टिफिकेट मिला है उस चीज़ों के बारे में, और अगर आप पिछले किसी भी अगर जॉब में है, किसी जगह आप सर्विस कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में, ओबीसी एनेक्सर वगैरह जो ओबीसी का लाभ उठाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाना चाहते हैं, उसके भी आपको एनेक्सर या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं स्कैन करके अपलोड करना होगा। आगे है एनी डिले मतलब एनी डिले इन सबमिशन ऑफ द डीएफ 2 और डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब डेट विल नॉट बी अलाउड एंड विल नॉट लीड एंड विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर फॉर सिविल सर्विसेज 2021। अगर कोई विद्यार्थी जो है फॉर्म फिलअप डीएफ 2 डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप दूसरा जो है करने में बहुत विलंब कर देते हैं और वह डॉक्यूमेंट वगैरह जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ या जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस जिस चीज़ों से पूरा होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को कह सकते हैं अपलोड करना होता है। अगर आप वह डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये आवश्यक है कि अगर आप डिग्री होल्डर हैं, अगर आप बैचलर और स्नातक हैं, आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, आप अगर एलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म में अप्लाई करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें और डीएफ फॉर्म भरते वक्त आप इसे कह सकते हैं सबमिट करें स्कैन करके, डेट्स ऑल। तो आप देख रहे हैं मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो कोई भी यूपीएससी संबंधित या अन्य कोई कंपिटेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित अगर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन और सर्वप्रथम आपको सूचित और सूचना मिल सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल मगधपुत्र ड्रीम आईएएस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।